是那。嗯 जीवम जीवम दवम जिनवर वसुहे न जे न निदिठम देविंद वंद वंदम तम वंदे संवदास्य इसका अर्थ हमने लास्ट टाइम देखा ही था, था कि जीव और अजीव द्रव्य का जिन्होंने हमें ज्ञान कराया उसका इम्पोर्टेंस महत्व हमें समझाया और उसको गहराइयों में जाने के लिए हमें जिन्होंने उपदेश दिया ऐसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जिनेश्वर को हम नमस्कार करते हैं जिनको इंद्रदेव आदि भी नमस्कार करते हैं तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क डेवलप किया था कि क्या आ, कैसे अनेक प्रकार से यू you नो know, इसको एनालाइज़ किया जाता है तो शब्दार्थ है भावार्थ है तत्वार्थ है यू you नो know, इस प्रकार से बाकी और हमने देखे थे कि नए के हिसाब से कैसे करना है और नॉलेज लेवल के हिसाब से कैसे उसको एनालाइज़ करना है जो आदमी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी नॉलेज लेवल कैसी है वो देखकर भी और ज्ञान की जैसे हमारी खुद की ज्ञान की लेवल बढ़ती चली जाती है तो फिर से हमें क्यों उसको रिवाइज करना है आ, ये सब बातें हमने पिछले इसमें देखी थी तो आज जो है कि हम डायरेक्ट डेफिनेशन पर थोड़ा सा चले जाते हैं तो एक व्यक्ति था बहुत धार्मिक था और रोज भक्तामर स्तोत्र नमोकार मंत्र और बाकी सारी चीज़ें पूजा पाठ करता था तीर्थ यात्रा में जाता था कुछ दान धर्म करता था तो मगर उसे ऐसे लगा कि कुछ गहराई नहीं आ रही है उसके जीवन में तो उसने सोचा कि कुछ तत्व दर्शन को और गहराइयों में जाने की ज़रूरत है तो उसने सोचा किसी आचार्य श्री के पास चले जाएंगे उधर कुछ मैंने रहेंगे तो सारा काम अच्छा हो जाएगा तो वो एक आचार्य श्री के पास चला गया तो उसने कहा कि मेरी ये ये प्रॉब्लम है मैं तो सारी चीज़ें करता हूँ मगर ऐसे लगता है कि कुछ गहराई आई नहीं कुछ जो आत्मक्रांति मुझे करनी थी वो इतनी हुई नहीं जो मुझे अपने आप को बदलना था वो इतना हुआ नहीं तो इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ी सी अध्यात्म की गहराई आपकी कृपा से आपके मार्गदर्शन से आ जाए इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ तो आचार्य श्री ने देखा कि भाई ये आदमी जेन्युन है और उसकी साधना करने की इच्छा भी बहुत प्रबल है और श्रम करने की भी इच्छा है तो बोले ठीक है अब मेरा चातुर्मास तो अभी यहाँ चार पाँच महीने तो पाँच महीने तो मैं हूँ तो तुम यहाँ रह जाना तुम्हारे रहने की खाने पीने की सारी व्यवस्था हो जाएगी तुम साधना में ध्यान रखो तो उसको एक वॉल्टियर के साथ भेज दिया इनको रूम वगैरह की अरेंजमेंट कर दो और दूसरे एक वॉलेंटियर को बुलाया बोले ये तीन किताबें इनके रूम में पहुंचा देना तो आदमी जाके थोड़ा रिलैक्स हो गया आ, फिर वो तीन किताबें आ गई तो उसने पहली किताब खोल के देखी अरे कुछ तो मिस्टेक दिखती है दूसरी किताब खोल के देखी अरे उसमें कुछ तो मिस्टेक लगती है तीसरी किताब खोल के रखी इसमें भी मिस्टेक लगती है तो उसने सोचा कि शायद ये वॉलेंटियर जिसने लाई उसने कुछ मिस्टेक की तो उसने उस वॉलेंटियर को बुलाया उसके पास जाके बोला कि भाई साहब ये तीन किताबें आपने दी शायद गलती से दी है महाराज साहब ने तो आपको दूसरी बोली होगी क्योंकि मैं तो अध्यात्म की स्टडी के लिए आया हूँ तो वो लड़के ने किताब ले ली फिर महाराज जी के पास जाके पूछा फिर आके उसको बोला कि नहीं 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 वो महाराज जी ने कहा कि ये तीन किताबें आप पढ़ो पहले तो उसको लगा यार कुछ मिस्टेक होगी तो खुद महाराज जी से ही पूछेंगे तो अभी टाइम तो नेक्स्ट डे उसको मिला था क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये टाइम पे तुम कभी आ जाना आपको मार्गदर्शन के लिए कुछ क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा करूँगा तो फिर नेक्स्ट डे वो चला गया जब तक सोचता रहा कि कुछ तो मिस्टेक लगती है तो महाराज साहब के पास गया कि बोले महाराज जी मैं तो अध्यात्म की लिए आया था और ये किताबें जो आपने दी और ये तो द्रव्य की है कुछ षट द्रव्य की है कुछ जीव अजीव को जानो ये जानो तो ये तो कुछ मिस्टेक हो गई है कुछ गड़बड़ हो गई है तो महाराज जी बोले नहीं तो ठीक है तो बोले नहीं नहीं ये तो धोखा हो गया मैं तो आया था अध्यात्म की स्टडी के लिए और आपने तो मुझे ये दूसरी किताबें पकड़ा दी तो महाराज जी बोले देखो ऐसा था एक आदमी तो उसके पास बहुत आ, पैसे आ गए तो उसने सोचा एक टॉवर बनाऊंगा बड़ी बिल्डिंग टॉवर टाइप तो उसने एक जगह ली और जो पूजा करने के लिए चला गया भूमि पूजन पहली तो अपनी बीबी को भी साथ ले गया दोनों ने मिलकर पूजा की छः महीने बीत गए छः महीने के बाद पति ने बोला पत्नी से कि जाके और दूसरी पूजा करनी है तो चलो तो गए पूजा के लिए तो पत्नी पूछती है छः महीने में आपने इतने पैसे खर्च किए यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है जमीन तो जैसे लेवल की है वैसी लेवल है तो उसने कहा कि देखो हमें बड़ा टॉवर बनाना है तो इसलिए इसकी फाउंडेशन बहुत डीप होनी है तो छः महीने ये डीप फाउंडेशन बनाने में चले गए और लास्ट वीक ही उन्होंने फाउंडेशन बन गया तो लेवल कर दिया तो अभी ऊपर से ऐसे लगता है कि कुछ भी हुआ नहीं मगर एक बेसिक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन यहाँ बन गया है छः महीने में और आगे चलकर जो बिल्डिंग है वो ज़मीन के ऊपर है तो हमें दिखती जाएगी कि कैसी प्रोग्रेस है तो इसी प्रकार यदि हमें अध्यात्म की फाउंडेशन की बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो जो फंडामेंटल्स है जो फाउंडेशन है उसको डीप में जाके अंडरस्टैंड करना है तो महाराज जी ने कहा कि देखो फाउंडेशन हमारी डीप हो जाएगी तो कोई स्टॉर्म आ गया कोई फ्लड आ गया कोई अर्थवेक हो गया तो बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा तो इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि कुछ प्रॉब्लम आ गए कि भाई मोहनीय कर्म बहुत आ गया बहुत लोभ आ गया बहुत यू नो कषाय आ गए क्रोध आ गया तो भी यदि हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो वहाँ पे हम उसको संभल सकते हैं तो चलिए इस बैकग्राउंड पे थोड़ा सा चले जाते हैं तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परमाणु तो कुछ डेफिनेशन मैं एक के बाद एक कहूँगा तो आठ दस मिनट पंद्रह मिनट के लिए सब सिर्फ डेफिनेशन रहेगी सो प्लीज होल्ड ऑन यू नो उसके बाद क्वेश्चन हम लेंगे तो परमाणु इज द स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा है अभी जिसके डिवीजन नहीं कर सकते उसको परमाणु तो साइंस भी आज वो परमाणु की व्याख्या करता है मगर जैनिज्म ने हज़ारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की और कहाँ की सबसे अनडिविजुअलबल जो है उसको हम परमाणु कहते हैं उसके और आगे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है तो कभी परमाणु जो है इसको कभी कभी शास्त्रों में अणु भी कहा जाता है तो अणु परमाणु हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही ले लेते हैं तो दूसरी डेफिनेशन है प्रदेश की तो एक परमाणु है उसको रहने के लिए कुछ जगह चाहिए तो जितनी जगह एक परमाणु को लगती है उसको प्रदेश कहते हैं सो दिस इज अगेन वेरी स्मॉल जैसे परमाणु हमें दिखेगा नहीं आंखों से हैव टू सी इट अंडर द वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप तो प्रदेश भी इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल छोटा सा होगा मगर प्रदेश की डेफिनेशन जो है कि एक परमाणु जो है उसको रहने के लिए जितनी जगह चाहिए दैट इज कॉल्ड एज अ प्रदेश और विश्व की डेफिनेशन तो हमने देखी है कि भाई लोकाकाश है अलोकाकाश है और जो लोकाकाश है उसमें जीव और अजीव ये द्रव्य रहते हैं तो हायर लेवल पे जीव और अजीव है और फिर अजीव के पांच भाग कर लिए तो फिर जीव और पांच ऐसे मिलके शट द्रव्य हो जाएंगे तो द्रव्य द्रव्य जो है कि डेफिनेशन एक उसकी है सिंपल डेफिनेशन है कि गुणों का जो समूह होता है उसको द्रव्य कहते हैं तो जैसे कि गोल्ड है समझ लो तो गोल्ड में बहुत से गुण उसमें से कि वो चमकीला है पीला है वजनदार है तो ये गुण है तो ऐसे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं तो पहले जो है कि गुण नहीं है तो द्रव्य नहीं है और द्रव्य नहीं है तो गुण नहीं है आगे चलकर ये थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा तो उसको हम थोड़ा आगे और देख लेंगे और द्रव्य जो है उसमें आ, उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन चीज़ें होती जाती है तो इसको भी थोड़ा सा आगे चलकर हम उत्पाद व्यय द्रव्य की बातें देख लेते हैं गुण जो है कि एक स्पेसिफिक जो हम उसको क्वालिटी कहते हैं इंग्लिश में तो इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड कि क्वालिटी तो एक स्पेशल स्पेसिफिक जो उसकी विशेषता होती है उसको हम गुण कहते हैं और एक पर्याय है पर्याय की डेफिनेशन जो कि हर क्षण में जैसे कि हम जैनिज्म में कहते हैं कि इमम अनिच्छम तो हर चीज़ बदल रही है हर क्षण में और कैसे बदल रही है तो उसके अलग अलग पर्याय निर्माण होते हैं तो पर्याय मीन्स उसका जो उत्पाद और व्यय ये दो चीज़ें जो हैं उससे पर्याय बनती है तो एक पर्याय चल रही है उसका निर्माण हो गया तो उसका उत्पाद हो गया और फिर वो मिट जाएगी व्यय हो जाएगी फिर उसके बाद दूसरा पर्याय तो एक समय में एक पर्याय रहता है वो मिट गया दूसरा पर्याय तो जैसे कि आदमी पैदा होता है एक छोटा बच्चा और फिर बड़ा होके होके और बूढ़ा होके मर जाता है तो पैदा होना और मरना जैसे ये दो चीज़ें है वैसे ही उत्पाद और व्यय है तो उत्पाद हो गया नए पर्याय का वो पर्याय कुछ इसमें मिट जाएगा फिर दूसरे पर्याय का निर्माण होगा तो एक समय में केवल एक ही पर्याय रहेगा ओ जब मिट जाएगा उसी के बाद दूसरा पर्याय निर्माण होगा और दिस इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस ऐसे नहीं कि एक पर्याय अभी कुछ सालों तक चलेगा या तो एवरी समय जो है कि पर्याय बन रहा है पर्याय मिट रहा है आ, तो उत्पाद उसका हो रहा है व्यय हो गया तो दो उसमें डिस्टिंक्ट प्रोसेस हम याद रखें कि पर्याय में पर्याय का उत्पन्न होना और पर्याय का व्यय होना यानी कि मिटना तो दिस इज एपर पर्याय है और इसमें जो है कि जो द्रव्य है उसमें दो प्रकार के गुण होते हैं सामान्य गुण और विशेष गुण तो सामान्य गुण जो है कि सारे द्रव्यों में कॉमन होते हैं कौन से हैं हम इमीडिएटली थोड़े देख लेंगे तो जो सामान्य गुण है वो सारे द्रव्यों में कॉमन होते हैं और विशेष जो गुण है वो हर एक द्रव्य में अपने अपने विशेष अलग होते हैं तो जैसे कि जीव है तो हम जानते हैं कि ज्ञान और दर्शन है ना ये उसके विशेष गुण हैं और पुद्गल है तो स्पर्श रस वर्ण ये उसके विशेष गुण हैं तो दिस इज द विशेष गुण और बाकी जो कॉमन होते हैं तो वो सामान्य गुण है तो पहले सामान्य गुण की बात कर लेते हैं उससे पहले एक स्कंध की डेफिनेशन कर लेते हैं तो परमाणु की एक डेफिनेशन हमने कर ली तो स्कंध बेसिकली इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दो या उससे अधिक परमाणु जब इकट्ठे आ जाते हैं उनका बंध हो जाता है तो हम उसको स्कंध कहते हैं स्कंध तो इज दो से ज्यादा परमाणु का इकट्ठा हो जाना और तो परमाणु एक प्रदेश लेता है तो जाहिर है कि स्कंध एक से ज्यादा प्रदेश लेगा तो समझो दो परमाणु से बना है तो स्कंध दो प्रदेश लेगा समझो सौ तो परमाणु से बना है स्कंध तो सौ प्रदेश लेगा और स्कंध जो है ओ दो से लेके असंख्यात परमाणु तक हो सकता है तो जितने परमाणु है उतने प्रदेश स्कंध को मिल जाएंगे तो जहां पर दो या उससे ज्यादा प्रदेश कोई लेता है तो हम उसको कहते हैं अस्थिकाय तो एक परमाणु है वो सिंगल प्रदेश में रहता है तो उसका एक प्रदेश हो गया और दो या उससे ज्यादा हो गए तो वो ज़्यादा प्रदेश लेगा तो हम उसको कहते हैं अस्थिकाय जिसको एक से ज्यादा प्रदेश लगते हैं और इसलिए हमने देखा था कि कालद्रव्य जो है कि वो एक प्रदेशी है और बाकी सारे जो है अस्थिकाय हैं तो पंचास्तिकाय में तो आएगा जीव पुद्गल, धर्म अधर्म और आकाश तो ये पांच द्रव्य जो है अस्थिकाय है क्योंकि बहु बहुप्रदेशी है और काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है क्योंकि वो एक प्रदेशी है तो सामान्य गुण जो है अब हम सामान्य गुणों में चले जाएंगे तो छोड़ सामान्य गुण बताए हैं अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व तो हर एक को थोड़ा सा हम डिटेल में अंडरस्टैंडिंग uh, करने की कोशिश करेंगे तो अस्तित्व गुण जो है उसके कारण वो द्रव्य जैसे कि नाम दिया है अस्तित्व सो इट्स एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी है ना तो अस्तित्व गुण में एक बहुत क्लियर है कि सो इट इज नॉन क्रिएटेड क्योंकि जो क्वालिटी उसके अस्तित्व गुण है उसके कारण वो भूतकाल में भी था वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगा इंटैक्ट और इसीलिए जो है कि इट इज नॉन क्रिएटेड किसी ने इसको बनाया नहीं और कोई इसको मिटा सकता नहीं तो यदि अस्तित्व गुण को हम सच्ची प्रकार से डिटेल से समझ लेंगे वो गुण की क्वालिटीज हमारे दिलों दिमाग में छा जाएगी तो एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हो जाएगा कि हम ये जान लेंगे कि ये जो विश्व बना है जो ब्रह्मांड बना है वो किसी ने नहीं बनाया है ना नॉर्मली जैनिज्म छोड़ के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट है कि भगवान ने बनाया ब्रह्मा ने बनाया है ना गॉड ने बनाया और सारे लोग उसमें विश्वास करते हैं अनफॉर्चुनेटली कुछ जैन लोग भी उसमें यू नो अनोइंगली बातें करते रहते हैं कि अरे भगवान की कृपा से ऐसे हो गया भगवान की कृपा से ऐसे हो गया तो बहुत से जैनों के भाषण में भी ये आ जाती है चीज़ तो जिस दिन अस्तित्व क्वालिटी की रियलिटी हमारे दिलों दिमाग में छाएगी हमारे दिमाग में भी छाएगी तो एवरी टाइम से अरे भगवान ने बनाया तो हम अपने आप को रोक लेंगे अरे नहीं बनाने वाला कोई है ही नहीं तो क्या भगवान बनाएगा है ना तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये अनक्रिएटेड है वर्ल्ड तो कोई कहते अरे भगवान उप गया अकेलापन उसको खल रहा था तो ब्रह्मा अकेला बैठा है उसको खल गया तो उसने सोचा चलो पृथ्वी बना देते हैं है ना तो जैसे समझ लो उस समय कोरोना वायरस था और ब्रह्मा लॉकडाउन में था बोर हो गया क्या करें चलो पृथ्वी को बना देते हैं है ना वैसे बाकी धर्मों में भी है कि भगवान ने छः दिन में दुनिया बनाई और सातवें दिन उसने रेस्ट किया तो दैट इज संडे तो एज ए जैन यदि हम अस्तित्व गुणों को जान लेते हैं तो इस चीज को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि यदि ब्रह्मा ने बनाए या किसी ने बनाई तो उसको किसने बनाया सवाल आएगा और उसने बनाई तो वो चीजें कहां से लाई जिस चीज से बनाए वो किसने बनाई थी और जिसने ब्रह्मा को बनाया उसको किसने बनाया सो दिस इज नेवर एंडिंग क्वेश्चन सो दिस इज टोटली नॉन क्रिएटेड सो अस्तित्व गुना और इससे दूसरा फायदा होगा एक और एक जो है हमारी क्लैरिटी आ जाएगी हमारे मन में कि भाई जब भगवान ने बनाया नहीं तो ऊपर बैठा कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है है ना कि जैसे कॉन्सेप्ट है कुछ जिसमें कि भगवान सब देख रहा है कर रहा है कंट्रोल कर रहा है चित्रगुप्त को अपॉइंट कर दिया है उधर कि भाई सबका लेखा जोखा तुम लिखते जाओ है ना? तो 800 करोड़ लोग हैं उसका लेखा जोखा कौन कैसे रखेगा है ना एक बीबी है एक हस्बैंड है तो अपने हस्बैंड या बीबी का लेखा जोखा नहीं रख सकता है है ना कितने प्रयत्न करते हैं नहीं रख सकता है पूरा तो 800 करोड़ लोगों का वहाँ बैठ के लेखा जोखा कौन करता होगा कोई नहीं सो दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट तो इसलिए जैनिज़्म कहता है कि विश्व तत्व है विश्व तत्व के हिसाब से ये जो है ब्रह्मांड चलता है ये विश्व चलता है तो दिस इज सेल्फ रेगुलेटिंग प्रिंसिपल्स कोई बैठ के रेगुलेट नहीं कर रहा है और इसलिए हम कहते हैं कि नातारम विश्व तत्वा नाम वंदे तदगुणलब्ध है कि जिन्होंने विश्व तत्वों को जान लिया कि यह विश्व कैसे चलता है तो उनको हम नमस्कार करते हैं और फिर एक और बात आ जाएगी इसमें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेयर्स की तो बहुत से धर्मों की प्रेयर्स जो होती है तो मांगते रहते भगवान से है ना उनकी सारी प्रेयर आप देख लीजिए डिटेल में कि कुछ तो मांग रहे हैं कि भाई है ना तो सारे सुख करता दुख हरता कि जो मेरे को सुख देगा और मेरे दुख हरण करेगा ऐसी कोई शक्ति ऊपर बैठी है और प्रेयर उसी की है कि भाई ओ मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो मुझे प्रमोशन दे दो अच्छी सेहत दे दो पैसे दिलवा दो आ, कुछ अच्छा घर दिलवा दो अच्छी बीवी दिलवा दो मेरे बच्चे अच्छे हो और दूसरा फिर वो मुझे कोई बीमारी मत देना कोई दुखा मत देना कोई धोखा देने वाला मत भेजना तो इस प्रकार से तो सारी प्रेयर्स जो है कि बेस्ड ऑन फियर एंड ग्रीड है ना तो एक तो ग्रीड है कि हम मांग रहे हैं मांग रहे हैं ये दे दो वो दे दो वो दे दो और एक फियर है कि भाई ये बुरा मस मेरे पास नहीं आना बीमारी नहीं आनी ये नहीं आनी संकट नहीं आनी मगर जैनिज्म की प्रेयर अलग है है ना हम कभी मांगते नहीं कुछ नमो अरिंतानम नमो सिद्धानम नमो आरियानम नमो वज्जैनम नमो लोय सवनम ये हमारे प्रेयर है न किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को हमने एड्रेस किया है न कुछ चीज मांगी है सो दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ए मैन है ना और बाक़ी लोग जो है कि भीख मांग रहे हैं कुछ भी आप मांग रहे हैं तो जब आदमी मांगता है तो भीख ही होता है इसका यह नहीं कि कितना पैसा उसके पास है उससे कोई रिलेशन नहीं है तो अकबर शहनशाह था उसका एक गुरु था फरीद नाम का तो फरीद कहीं और रहता था शहनशाह राजधानी में रहता है तो जबी भी अकबर उधर से जाता तो फरीद को मिल के जाता था तो सबको पता था कि राजा फरीद की बहुत इज्जत करता है उसको गुरु मानता है तो एक दिन फरीद को राजधानी जाना पड़ा तो गांव के लोग छोटा सा गांव था तो गांव के लोग आए उसके पास बोले आप जा ही रहे हो तो थोड़ा राजा से मिलो अकबर से मिलो और हमारे गांव में स्कूल नहीं है कुछ तो एक स्कूल उससे बोलो कि भाई एक स्कूल खुलवा दो आप कहोगे तो वो कर देगा तो फरीद ने बोला ठीक है जाऊंगा तो वो गया राजधानी गया और सोचा अभी चलो राजा के दरबार में जाके उससे कह देते हैं मगर उसके मन में विचार आ गया कि ये राजा लोग थोड़े झक्के होते हैं पता नहीं ना कह देगा तो दरबार में सबके सामने ना कह देगा तो अपनी तो बेइज्जती हो जाएगी तो इसलिए इससे अच्छा है कि वो सवेरे सात बजे अकबर के पास जो जाता है याचक तो उसको अकबर जो चाहिए वो दे ही देता है उसका अकबर का रूल था वो और इससे पता था तो उसने सोचा कि चलो कल सात बजे पहले पहुंच जाएंगे ताकि एक गुरु के नाते उसने समझो ना भी बोला तो एक याचक के नाते तो उसको देना ही पड़ेगा चला गया वो सात बजे पहुंच गया तो अकबर उसकी प्रेयर ख़त्म होने को थी और वो दीवाल की तरफ मुंह करके प्रेयर कर रहा था और प्रेयर ख़त्म हो गई तो उसने कहा कि हे भगवान आ, मेरा साम्राज्य और बढ़ा दो मेरे खजाने में और चांदी और सोना और रत्न आने दो और मेरी सेना बढ़ा दो वगैरह वगैरह तो फरीद वहाँ खड़ा था वो इमिजिएटली आउट करके बाहर दरवाजे की ओर निकल पड़ा तो अकबर ने देखा अरे आया था कोई उसने तो देखा जा रहा है तो दौड़ते दौड़ते उसके पास गया तो बोले क्या हुआ आप आए और चले गए कुछ कहे बगैर तो फरीद ने बोला कि मैं एक सम्राट के पास आया था देखा कि बाय मिस्टेक एक भिकारी के पास आ गया हूँ तो अकबर बोले अरे ऐसी क्या बात करते हो मैं तो अकबर हूँ सम्राट हूँ बोलिए क्या चाहिए तो बोले नहीं तू वैसे सम्राट लगता है मगर तूने क्या मांगा तो बोले कुछ नहीं मैंने बोला मेरा राज्य बढ़ने दो मुझे और सोना चांदी और हीरे दे दो तो बोले तेरे पास इतना साम्राज्य है मगर जब तूने मांगने के लिए हाथ फैलाया तो तू तो भिकारी बन गया कितना है उससे कुछ लेना देना नहीं है तो तुझसे फिर मैं क्या मांगू तू जिससे मांग रहा है मैं उसी से मांग लू तो ये जो मांगने की चीज़ है प्रेयर्स में ये हमारी जैनिज़्म में नहीं है जैनिज़्म क्लियरली कहता है कि भाई भीख का कटोरा लेके मत मांगो किसी से कोई देने वाला नहीं है आपको अपने प्रयत्नों से जो करना है वो पुरुषार्थ से ही करना है तो एक छोटा सा हमने एक क्वालिटी ले ली जो अस्तित्व गुण है तो इसके कारण ये तीन जो गलत फहमिया जो यू you नो know, अंधश्रद्धा है इससे हम बच सकते हैं क्योंकि जहां अंधश्रद्धा है वहां पर ही दुख है ना अज्ञान नाम अज्ञान जहां पे है वहीं घनघोर अंधकार है और घनघोर अंधकार जहां है वहीं दुख है तो इसलिए जैनिज़्म कहता है कि मिथ्यात्व मिथ्यात्व यानी इग्नोरेंस अज्ञान ज्ञान का जो है अभाव तो जब तक मिथ्यात्व है आपकी जिंदगी में दुख दर्द आने वाले हैं तो यहाँ पे एक इस तत्व से तीन बातें हमारे जिंदगी से जो है अंधकार में जो है वो निकल जाएगी और एक उजाला हमारे जिंदगी में आएगा कि भाई किसी ने बनाया नहीं कोई वहाँ बैठ के कोई इंडिविजुअल नहीं है कि जो कंट्रोल कर रहा है और ऐसे कोई इंडिविजुअल नहीं कि जिसको हम प्रार्थना करें और वो दे देगा सो दैट इज द अस्तित्व गुण uh, वस्तुत्व गुण जो होती है वो बहुत सिंपल है कि जो जिस प्रकार की क्वालिटी है हमारी उस प्रकार से कार्य करने की क्षमता जो है वस्तुत्व गुण से हमें मिलती है तो समझ लो कि सोना है है ना तो सोने के हम गहने बना सकते हैं तो समझ लो एक सोने का टुकड़ा है उसके बाजू में एक पत्थर का टुकड़ा है और हम सोनार के पास चले गए ज्वेलर के पास चले गए भाई साहब ये सोने का जो है ना एक कंगन बना देना ये पत्थर है उसका दूसरा कंगन बना देना तो सोनार कहेगा भाई साहब सोने का बन सकता है पत्थर का नहीं बनेगा सो दैट इज बिकॉज ऑफ द वस्तुत्व क्वालिटी गुड कि एक अमुक वस्तु में जो क्वालिटी है उसी प्रकार से वो काम करेगी दूसरी वस्तु में जो उसकी क्वालिटी है उसी प्रकार से काम करेगी कुछ भी हो जाए पत्थर से तो हम गहने नहीं बना सकेंगे सोने से बना सकते हैं सो बेसिकली वो वस्तु क्वालिटी हो गई है ये हाँ बोलिए सर तो यह भी कहते हैं कि हर चीज जो है हर पदार्थ जो है उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है कोई वेस्ट नहीं है हाँ देट इज करेक्ट बिल्कुल 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 सही है तो, 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 तो दृष्टिकोण दृष्टिकोण से से हो हो लेकिन किसी और के से वो उसके काम की हो सकती है हा नहीं बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि हम विश्व तत्व के हिसाब से देखें इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं क्योंकि हमारी बुद्धि जो है हमारा तर्क जो है उसकी एक मर्यादा है है ना तो बहुत से विश्व तत्व हमें समझ में नहीं आएंगे मगर विश्व तत्व के हिसाब से देखें तो हर एक वस्तु का अपना महत्व है और विश्व तत्व में कोई वस्तु तो बड़ी नहीं कोई छोटी नहीं यू नो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट एवरीथिंग इज इक्वल यू नो कि हाथी है वो हमारे लिए बड़ा है और चीठी हमारे लिए छोटी है मगर विश्व तत्वों के लिए हाथी या चीठी यू नो एक जीव है नो you know, उसकी वैल्यू uh, सेम है उसके लिए सो दैट इज ए गुड गुड ऑब्जर्वेशन तो द्रव्यत्व जो है नेक्स्ट तो द्रव्यत्व में हमने द्रव्यत्व को देखने के लिए थोड़ा सा नय का उपयोग हमें करना पड़ेगा तो नय की थोड़ी सी बातें हमने की थी मगर आज और थोड़ी कर लेते हैं और फिर द्रव्यत्व गुण के तरफ आ जाते हैं तो कैसे हम जान सकते हैं तो प्रमाण नैरधि गहा तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है प्रमाण नैरधि गहा तो प्रमाण से और नय से अधिगमहा अधिगम मीन्स हम जान सकते हैं तो प्रमाण जो है कि पूर्ण ज्ञान देता है हमें और नय जो है कि पार्शियल तो जब भी पार्शियल ज्ञान पार्शियल एक चीज को हमें उजागर करना पड़ता है उसको थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ता है तो हम नए का उपयोग करते हैं तो इसमें इसलिए जिस नय के हिसाब से कह रहे हैं तो उसको मेंशन करना पड़ता है कि प्रमुख ये नए है तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ये दो समझो साथ में ले लेंगे तो द्रव्यत्व का जब हम वर्णन करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई पर्यायार्थिक नय से है ना मतलब पर्यायार्थिक नय को मुख्य मानकर और द्रव्यार्थिक नय को गौण मानकर हम बात कर रहे हैं तो मुख्य मानकर गौण मानकर इतने डिटेल कहने से उन्होंने एक शब्द लगा दिया तो द्रव्यार्थिक नय से यानी कि द्रव्यार्थिक नय को प्रमुख मानकर और पर्यायार्थिक नय को गौन मानकर हम कह रहे हैं और ना... हाँ जी एक हाँ। और आपने बताया चाहिए पहले हाँ और इसके बाद द्रव्यत्व बताया हाँ तो द्रव्य और वस्तु तो एक चीज नहीं है नहीं नहीं वो उसकी क्वालिटीज जो हम देख रहे हैं ना सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ए द्रव्य द्रव्य जो है उसी की ये डिटेल एक एक क्वालिटी तो हम द्रव्यत्व कह रहे हैं द्रव्य नहीं कह रहे हैं, वस्तुत्व कह रहे हैं, अस्तित्व कह रहे हैं यानी कि ये पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ दैट द्रव्य तो ये सारी क्वालिटी द्रव्य की ही है मगर वो उसकी एक एक लेके उसको एक्सपांड कर रहे हैं ठीक है okay, just to clarify, वस्तु, वस्तु की क्वालिटी

दूसरा सामान्य गुण द्रव्य का वो सही बात है मैं समझ रहा हूँ लेकिन दोनों को सेपरेट क्यों किया गया दोनों एक ही है नहीं नहीं क्वालिटी वाइज देखो ये छह क्वालिटीज अलग अलग हैं वो अलग अलग दिखाते हैं जैसे कि सोना है सोने की एक क्वालिटी है पीलापन और सोने की दूसरी क्वालिटी है चमक और सोने की तीसरी क्वालिटी है कि हेवी हेवीनेस यू नो है सोना ही तो इसी प्रकार ये द्रव्य है मगर द्रव्य की एक एक एक-एक क्वालिटी -एक जैसे कि हम जीव लेते हैं तो ज्ञान दर्शन यू you नो know, तो हम अनंत चतुष्टय कहते हैं कि भाई अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य अनंत सुख और उसकी और क्वालिटीज है तो वो जीव की ही वगैरह एक एक क्वालिटीज को हम देख रहे हैं उसी प्रकार ये द्रव्य है द्रव्य की ही एक एक क्वालिटी इसलिए वो हम उसकी डेफिनेशन भी कर रहे हैं कि अस्तित्व क्वालिटी जो है कि इट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन और परमानेंस है ना और वस्तुत्व क्वालिटी जो है कि वो जो किस प्रकार से कार्य करता है है ना वो है और द्रव्यत्व जो क्वालिटी है कि उसमें कैसे बदलाव आते हैं यू नो रिलेटेड टू दैट और प्रमेयत्व हम देखते जाएंगे कि एक एक क्वालिटी जो है उसकी इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक यू नो डेफिनेशन तो इसलिए वो त्व आ गया द्रव्यत्व त्व मीन्स द्रव्य बनने की जो उसकी क्वालिटी है वस्तु बनने की क्वालिटी तो कॉमनली क्या होता है कि हम वस्तु और द्रव्य को एक ही समझ लेते हैं है ना तो लास्ट टाइम जैसे हमने उदाहरण लिया था कि भाई अष्टद्रव्य जो है वो उसी को लोग द्रव्य समझते हैं तो जीव उसमें नहीं आएगा है ना सो so, तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए लिटिल वाइल मे बी वंस वी गो लिटिल मोर यू विल देर विल बी लिटिल मोर क्लैरिटी इट इज आई एग्री इट इज समाइम्स कंफ्यूजिंग तो इसीलिए वो हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन उसके आगे ले लेते हैं तो द्रव्यत्व जो है ये एक क्वालिटी है उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य इस तीन की बात होती है तो उत्पाद और व्यय को हमने देखा था कि पर्याय शब्द है तो पर्याय जो है कि एक उसकी अलग थोड़ी सी वेरिएशन आ गई है आ, उसके पर्याय की द्रव्य तो ऐसा ही है और उसका उत्पाद हो गया व्यय हो गया तो एक पर्याय खत्म हो गई फिर दूसरी पर्याय आएगी फिर तीसरी आएगी फिर चौथी तो एक समय में एक ही पर्याय रहेगी जब तक वो ख़त्म नहीं होती जब तक व्यय नहीं होती दूसरी पर्याय नहीं आ सकती सो दिस इज इम्पॉर्टेंट तो आ, उत्पाद भी हो रहा है व्यय भी हो रहा है तो ये पर्यायार्थिक नय के हिसाब से हम कहेंगे कि उसका उत्पाद हो रहा है व्यय हो रहा है मगर द्रव्यार्थिक नय से हम कहेंगे वो द्रव्य है यानी कि उसमें आ, कुछ बदला नहीं उसकी जो मेन क्वालिटी है अस्तित्व की अस्तित्व गुण जो है उसके कारण वो परमानेंट बना हुआ है सो दैट इज अ द्रव्य नेक्स्ट जो है प्रमेयत्व प्रमेयत्व जो है कि बाय द क्वालिटी बाय विच एनीबडी कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज दैट है ना तो जैसे कि गोल्ड है तो हम समझ सकते कि पीला है या कुछ है कुछ है तो एक आदमी था जा रहा था भिकारी था तो गांव में भीख मांग के मांग के शाम के शाम हो गई तो वो जा रहा था कहीं और गांव के बाहर रहता था क्योंकि भिकारी है तो गांव में कोई रहने नहीं देगा किसी के घर में सामने आया तो उसको हकाल देगा जाओ 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 तो वो बेचारा गांव के बाहर रहता था तो जा रहा है गांव के बाहर और आखिरी जो घर आ गया तो उसने देखा कोई चमकती चीज है पीले रंग की चमकती चीज है तो उसने सोचा अरे लगता है सोना है सोना तो गया उधर उठाया उसने तो कटोरा था सोने का तो बोला अरे सोने का है तो फेंका कैसे किसी ने और किसी ने फेंक दिया है तो सोने का कैसे है तो जो प्रमेयत्व की क्वालिटी है उससे हम इमीडिएटली जान लेते हैं कि यह अमुक अमुक वस्तु है तो इसी प्रकार तो वो जो क्वालिटी है उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं अब एक और है अगुरु लघुत्व ये जो शब्द है थोड़ा सा मैडप ऑफ फोर फॉर डिफरेंट थिंग्स तो उसको थोड़ा ब्रेकअप करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर उसकी क्वालिटीज में जाते हैं तो अ गुरु लघु और त्व ऐसे चार शब्द मिलकर गुरु लघु त्व तो, तो ये ऋतु जी आपने क्या प्रेजेंट लगाया मैंने लगाया है। हाँ अगुरु जस दिखाने के लिए ओके ओके हां ठीक है ठीक है ओके तो अगुरु लघुत्व तो जैसे अ है यानी कि निगेटिव होता है जैसे अहिंसा यानी कि जहां हिंसा नहीं वो अहिंसा अपरिग्रह जहां परिग्रह नहीं वो अपरिग्रहता वैसे ही अ यहाँ पे जो है वो निगेटिव है और फिर गुरु यानी कि बड़ा होना लघु यानी कि छोटा होना और त्व तो उसमें अगुरु लघुत्व अगुरु लघुत्व जो है कि वह अपने स्वरूप में ही व्यवस्थित रहता है उसकी शक्ति उसकी जो है वो किसी दूसरे द्रव्य के रूप में जाती नहीं तो एक सोना है तो सोना पत्थर की तरह नहीं होगा है ना सोना सोना रहेगा और उसमें जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती है वो भी एक दूसरे में बदलती नहीं तो सोने में समझो तीन क्वालिटी हमने पकड़ ली थी कि पीलापन और चमकीलापन और जो है हेवीनेस तो ऐसे नहीं होता है कि पीलापन जो है चमकीलेपन में बदल गया तो आज तीन क्वालिटी है कल दो हो गई और परसों चार हो गई नहीं वो जो इंडिविजुअल गुण हैं वो ऐसे ही रहेंगे वो एक गुण से दूसरे गुण हो गए नहीं और दूसरे का एक नहीं होगा तो इस प्रकार से ये अगुरु लघुत्व हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए तो इसका एक इम्पॉर्टेंट हमें फ़ायदा होता है जब हम अगुरु लघुत्व क्वालिटी को सही ढंग से समझ लेते हैं कि एक द्रव्य दूसरे में परिवर्तित होगा नहीं एक की क्वालिटी उसकी जो क्वालिटीज़ है एक दूसरे में परिवर्तित होगी नहीं और कम ज़्यादा होगी नहीं तो देखिए कि जनरली जो होता है कि हम चेतन शक्ति और शरीर इसको अलग अलग समझने में बहुत यू नो क्लैरिटी हमें नहीं आती है तो 90 परसेंट ऑफ़ द टाइम 95 परसेंट ऑफ़ द टाइम हम जो है अपने आप को शरीर समझते हैं और उस हिसाब से तो जो हमारे दुख दर्द आते हैं या आ, आर्तर उदरत ध्यान जो आते हैं वो इस कारण आते हैं कि हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं और जो हम चेतन है और शरीर से अलग है तो ये हम भूल जाते हैं तो जब अगुरु लघुत्व क्वालिटी जो इसमें वस्तु की है ये सामान्य गुना हमें क्लैरिटी आ जाती है तो विज्ञान को समझने में हमें आसानी हो जाती है तो फिर जब भी हम अपने को शरीर समझते हैं तो अगुरु लघुत्व क्वालिटी हमें याद आ जाएगी फिर हम कहेंगे कि अरे नहीं मैं तो चेतन शक्ति हूँ मैं कैसे शरीर बन सकता हूँ कभी भी नहीं बन सकता हूँ और उस प्रकार से तो गुरु लघुत्व क्वालिटी को डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेना ये भेद विज्ञान को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो उसको केवल शब्दों से जानना नहीं तो जैसे दिलो दिमाग पे उसकी क्वालिटी यदि हमारी रहती है तो जिस क्षण हम शरीर को ही हम खुद को समझ लेते हैं तो उस क्षण इमिजिएटली याद आएगा अरे नहीं ओ चेतन शक्ति कभी शरीर रूप हो सकती नहीं तो ये हो रहा है वो शरीर के माध्यम में से हो रहा है और जो शरीर की इंद्रिय है उसके माध्यम से हो रहा है और क्लैरिटी थोड़ी सी हमें बहुत अच्छी आ जाती है और आखिरी जो है कि प्रदेशत्व गुणा प्रदेशत्व गुण बहुत सिंपल है कि जो उसका एक आकार होता है प्रत्येक इसका और उस आकार के हिसाब से उसके नियत प्रदेश होते हैं तो उतने प्रदेश जो है वो कर लेंगा तो उसको प्रदेशत्व कहते हैं तो जैसे हमने देखा था कि परमाणु है तो परमाणु का एक ही प्रदेश होता है और द्रव्य है उसका एक ही प्रदेश होता है है ना मगर जो अस्थिकाय है बाकी चि बाकी पांच जीव यू नो पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश तो ये उनके बहुत प्रदेश होंगे तो प्रदेशत्व गुण जो है कि वो उसका आकार और कितने प्रदेश उसके रहेंगे उसका ये आ, ये क्वालिटी उसको डिसाइड करती है तो ये सामान्य गुण रफली हो गए हैं हमारे और विशेष गुण जो है कि हम जब अरे हर एक द्रव्य को देखेंगे उस उस समय हम आ, उसकी आ, चर्चा करेंगे तो द्रव्य जो है हमने देखा कि जीव है अजीव है और अजीव के फिर पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल है तो दो एट हाई लेवल छः जीव पुद्गल धर्म अधर्म और अस्थिकाय लेंगे तो पांच। तो अस्थिकाय में काल द्रव्य नहीं आएगा बाकी पांच आ जाएंगे तो इस प्रकार से ये द्रव्यों के छः भाग है तो उसकी और थोड़ी सी हम डेफिनेशन अब लेना चालू कर देते हैं तो जीव की जो है हम बाद में थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे मगर जीव जो है हमने देखा कि ज्ञान और दर्शन ये दो मेन क्वालिटी उसकी होती है तो ज्ञान और दर्शन जिसमें है उसको हम जीव कहेंगे और पुद्गल जो है पुद्गल की क्वालिटीज जो है स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पुद्गल की क्वालिटीज होती है थोड़ा सा धर्म द्रव्य की एक क्विक डेफिनेशन देख लेते हैं तो धर्म द्रव्य की जो डेफिनेशन है कि जो मूवमेंट हमें करनी है परिणमन एक शब्द लेते हैं हमारा टेक्निकल वर्ड है परिणमन बट लेट कॉल इट ए सिंपल वे कि मूवमेंट जो है तो वो उसके लिए धर्म द्रव्य की आवश्यकता है धर्म, धर्म द्रव्य वो फैसिलिटेट करता है वो निमित् मात्र बनता है उसमें तो उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं आचार्य कि जैसे मछली पानी में चलती है तो चलने के लिए उसे पानी चाहिए तो पानी नहीं है तो मछली नहीं जा सकती है मगर पानी जो है कि मछली को पानी कोई न बल देता है न कोई ताकत देता है न कुछ नहीं है वो केवल निमित्त मात्र रहता है मगर धर्म जो है वो द्रव्य जरूरी है हमारी मूवमेंट को करने के लिए तो जैसे कि हम देखते हैं केमिस्ट्री में कैटेलिटिक एजेंट एक होता है कुछ एक अमुक प्रोसेस करनी है तो कैटेलिटिक एजेंट उसमें होना जरूरी है नहीं तो प्रोसेस होती नहीं मगर कैटेलिटिक एजेंट जो है वो कुछ करता नहीं ना उसमें कुछ बदलाव आता है ना उसका कलर बदलता है ना उसकी क्वांटिटी बदलती है कम होती है या ज़्यादा कुछ नहीं है मगर उसकी प्रेजेंस जो है दैट इज इसेंशियल टू हैव दैट प्रोसेस तो इसी प्रकार धर्म द्रव्य जो है उसकी प्रेजेंस नेसेसरी है वो केवल निमित्त मात्र है और उसकी प्रेजेंस में जो है कि परिणमन की ये हो सकती है और उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य जो है कि जो मोमेंट है उसको रोकने के लिए अधर्म द्रव्य का होना जरूरी है धर्म द्रव्य के माफिक अधर्म द्रव्य भी केवल निमित्त मात्र है वो न कोई हमें ताकत देता है न कोई फैसिलिटेट ओनली ओ निमित्त मात्र है ओनली इट इज़ फैसिलिटेटिंग जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए तो धर्म द्रव्य हम कह सकते हैं कि भाई दे वर्क मोर और लेस इन ए कॉम्बिनेशन एक मोमेंट की फैसिलिटेट करता है एक स्टॉपेज जो परिणमन है उसको शुरू करने में और परिणमन को रोकने में धर्म अधर्म द्रव्य ये काम करते हैं और फिर आकाश द्रव्य जो है तो आकाश द्रव्य जो है वो सबको जो है अपने में इट गिव्स द स्पेस यू नो अवगाहन एक शब्द है बहुत अच्छा तो आ, जो भी आता है उसको आकाश द्रव्य स्पेस दे देता है तो जितना भी है हमारा त्रिलोक जो है वो सारा आकाश द्रव्य के कारण है तो समझ लो कि आकाश द्रव्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है नरक है आकाश द्रव्य ने अवगाहन दिया स्वर्ग है आकाश द्रव्य ने अवगाहन दिया मध्यलोक है आकाश द्रव्य ने अवगाहन दिया तो जहाँ अवगाहन नहीं है समझो आकाश द्रव्य नाराज हो गया सबसे और सबको बोला कि भाई भाग जाओ यहाँ से तो नरक भी चले जाएंगे स्वर्ग भी चला जाएगा मध्यलोक भी चला जाएगा तो अवगाहन जो आकाश देता है और जहाँ पे द्रव्य रहते हैं सारे उसको लोकाकाश हम कहते हैं तो जहाँ सारे द्रव्य रहते हैं वो लोकाकाश है और उसके बाहर जो है अलोकाकाश है तो अलोकाकाश में कोई द्रव्य नहीं रहते हैं। अलोकाकाश इज अ प्योर हंड्रेड परसेंट प्योर आकाश तो इसलिए उसका नाम है अलोकाकाश जहाँ वो हंड्रेड परसेंट अनकरप्टेड आकाश द्रव्य है और जो हम लोकाकाश कहते हैं वहाँ आकाश द्रव्य करप्टेड है क्योंकि इतने सारे चीजें रहती है है ना नरक के सारे पापी लोग रहते हैं लोकाकाश के एरिया में और भूमध्य लोग के लोग रहते हैं तो उसमें तो एटी परसेंट तो डाउटफुल है कि कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं तो इसीलिए जो अलोका है उसको कहते हैं कि प्योर आकाश द्रव्य और लोकाकाश के एरिया में वो इम्प्योरिटी है वो करप्टेड है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स तो आकाश द्रव्य जो है सबको समाए हुए है एंड अलोकाकाश जो है वो बहुत बड़ा है आकाश जो हम लोकाकाश की हिसाब से तो लोकाकाश का तो हमें पता है सब डायमेंशन हमने बीच में उसमें चर्चा हो गई है डिटेल की कितने राज्यों नीचे है कितने राजे मध्य लोक में हैं ऊपर जाके कितने हैं उसकी विड्थ कितनी है ये सारे डिस्कशन हो गई है सो so दैट इजोकाकाश उसके बाहर जो है अलोकाकाश प्योर आकाश द्रव्य वहां पे रहता है तो भी की आकाश द्रव्य में दो पार्ट है लोकाकाश और तो दोनों द्रव्य हैं। दोनों एक ही द्रव्य है वो आकाश द्रव्य एक ही ही है और उसके यू नो दो ये हो गए कि भाई ये प्योर है पार्ट और ये इमप्योर इन द सेंस कि यहां सारे जीव और अजीव की पुद्गल धर्म धर्म आकाश आकाश नहीं पुद्गल धर्म धर्म और काल ये रहते हैं तो और लोकाकाश के बाहर कोई द्रव्य नहीं रहता है सारे द्रव्य इधर ही है तो विनोद जी एक क्वेश्चन था हाँ जी फिर प्रदेश क्या वो प्रदेश क्योंकि वो भी एक स्पेस देता है द्रव्य को रहने के लिए तो क्या प्रदेश आकाश में है हां बिल्कुल 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 ओ लोकाकाश का भाग है प्रदेश जो है विद इन लोकाकाश अच्छा। हाँ बाहर लोकाकाश के बाहर नहीं है अच्छा। हां और प्रदेश क्योंकि जितने परमाणु है ओ, हर एक परमाणु को रहने के लिए एक प्रदेश की जरूरत है तो वो इतने प्रदेश है वहां पे तो ये कह सकते हैं आकाश का सबसे छोटा भाग प्रदेश है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट परफेक्ट डेफिनेशन okay. और आपका एक सवाल था लास्ट टाइम कि जीव द्रव्य है कि नहीं है तो जैसे हमने देखा कि जीव जो है वो गुणों का समूह है तो जीव में क्वालिटीज है कि भाई ज्ञान है दर्शन है बल है नो you know, और सुख है और बाकी जो क्वालिटीज है वो सारी क्वालिटीज है तो इस हिसाब से वो द्रव्य है गुणों का समूह है तो ऐट इज ए द्रव्य सो एक प्रश्न है किताब के ऊपर जो किताब में लिखा हुआ है हाँ तो मैं ये स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ आप अगर देख सकते हैं उसमें हाँ तो लिखा है उत्पाद का डेफिनेशन लिखा है द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है हाँ लेकिन उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया है जैसे जीव के देव पर्याय का उत्पाद लेकिन जीव के देव पर्याय का उत्पाद तो वो तो पुदगर हुआ ना जैसे देव और मनुष्य दोनों पुदगर हुए और पर्याय तो गुण तो हुआ उसका तो उत्पाद इन्होंने जीव ऐसे क्यों लिखा जीव की ये पर्याय और दूसरे में लिखा है मनुष्य पर्याय का विनाश जीव की हाँ जीव पर्याय तो थोड़ी है ये तो पुद्गल की पर्याय है देव और मनुष्य तो बिल्कुल तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अ एट टाइम्स व्हेन दे आर ये ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो जीव जो प्योर चेतन शक्ति है जो हमारी आत्मा शक्ति है उसके साथ वो शरीर को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि जब तक ये हम सिद्ध नहीं बनते है ना तब तक कारमान शरीर उसके साथ जुड़ा हुआ है है ना उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो समटाइम कंसीडरिंग दैट और कारमान शरीर है इसके कारण जो हमारी गतियाँ बनती है है ना जो गति बनती है नरक गति चतुर्ग, चा गति मनुष्य गति देव गति, वो कारमांड शरीर के कारण बनती है जब तक कार्मण शरीर है गति बनती जाएगी तो कभी कभार तो एक्चुअली दे शुड है टेकन द एग्जांपल ऑफ ए नाय तो वो okay. बहुत क्लैरिटी होती थी तो इसलिए यहाँ पे जो है तो व्यवहार नए और निश्चय नए ये दो नए के हिसाब से उसको डिस्क्राइब करना चाहिए तो व्यवहार नय के हिसाब से यह डेफिनेशन करेक्ट है और निश्चय नय के हिसाब से जो है कि हमारी चेतन शक्ति प्योर है हा? उसमें अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर अनंत सुख जो चतुर अनंत चतुष्ट है हम कहते हैं तो शुद्ध नय के हिसाब से वो है उसकी अस्तित्व मगर व्यवहार नय के हिसाब से क्योंकि कर्म शरीर जुड़ा हुआ है तो व्यवहार नए के हिसाब से ये डेफिनेशन है तो इसलिए नए का उपयोग ऑलवेज तो क्या होता है कि हर चीज जो होती है उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग एग्जैक्टली अपोजिट ऐसी क्वालिटी होती है दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है ना तो जैसे हम कहते हैं कि आ, समझ लो इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लो है ना तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी एक साथ होती है एक सेकंड में सिक्सटी साइकिल होती है और एक साइकिल में वो पॉजिटिव से निगेटिव जाके फिर जीरो में आती है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है उसमें मगर तो इसलिए ये व्यवहार न और निश्चय न है तो आप देखेंगे कि समय सर में व्यवहार ने निश्चय ने दोनों पकड़ के ही सारा एनालिसिस किया हुआ है इसलिए किया हुआ है कि ये ऐसी कंफ्यूजन वहां पे ना आ जाए मगर क्योंकि ये बच्चों के लिए है थोड़ा तो इसीलिए इतनी कॉम्प्लिकेशन यहाँ उन्हें नहीं लानी थी शायद करे, करे। इसीलिए उन्होंने उन्हों रख दिया है। बट देखिए उन्हों है तो हा हाँ. तो ये सेम, सेम वे। तो ये व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय हाँ तो व्यवहार न्याय और निश्चय तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है व्यवहार नए के हिसाब से सो दे शुड हैव एटलीस्ट मेंशन कि भाई है ना विल नॉट गो इन डिटेल बट हिसाब इस से है तो हाँ, कर सकते है। इसको दे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने तो हाँ ये दैट वे इफ यू लुक एट इट समझो एक नॉन जैन आके देखेगा तो तो गलत बोलेगा क्या? वो बोलेगा यार आप क्या इधर बोलते हो कि जीव तो ऐसे है अमूर्तिक है यहां लिखते हो मूर्तिक है क्या बात है यू मेकअप योर माइंड तो आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने ऐसे ही पकड़ के आ, हमारी इसका मजाक उड़ाया था तो उन्होंने निश्चय नए व्यवहार नए को उन्होंने बंडल करके फेंक दिया डेफिनेटली you know? तो, तो तो हाँ ये जो लास्ट बताया पंकज जी ने वापस वापिस की हानिया पर तो ठीक तो लिखा मेरे हिसाब से तो Uh, आप सिद्ध में तो कोई शरीर तो होता नहीं है तो अमूर्तिक हो गया तो शरीर तो पुद्गल शरीर किसी का भी वो पुद्गल ही है मुझे आस्तिकाय की बात कर रहे हैं अपन तो आस्तिकाय में तो एक वो शेप होना चाहिए ना नहीं अस्थिकाय की जो हाँ उसमें तो एट ए माइक्रो लेवल देर इज अ शेप बिकॉज जो है कि एक प्रदेश आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसकी शेप तो है ही तो सिद्धावस्था में तो कोई शेप है ही नहीं नहीं सिद्धावस्था में कोई शेप नहीं है मगर जो बॉडी थी जिस बॉडी से है तो है। जिस बॉडी से मुक्ति गई तो उस बॉडी की जो बॉर्डर है तो उससे थोड़ी सी छोटी अस से वन एफ्त इंच इनसाइड वन सेंटीमीटर इनसाइड वन मिलीमीटर इनसाइड तो ऐसी एक बॉर्डर होती है सो so तो इसलिए वो सिद्ध की जो प्रतिमा होती है कि वो बॉडी की बॉर्डर ही होती है okay. और कोई सवाल कंफ्यूजन इज द्रव्य के बारे में जो जैसे अभी प्रदेश बताया तो ये नहीं है कि जीव है, मतलब वो भी उसके भी प्रदेश है जीव के हाँ जीव के तो प्रदेश है ना जीव के प्रदेश ना? है डेफिनेटली शरीर में रहता है वही प्रदेश भी आता है तो। लेकिन हमें दिखता नहीं है वो अमूर्ति कैसे है। जरूरी है कि जो चीज हमें अपने पांच इंद्रियों से टच ना हो या देख ना सके वो है नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जीव को जरा डिटेल में देखेंगे जीव की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और पुद्गल के भी कुछ ये देखेंगे थोड़े ज़्यादा डिटेल में तो नेक्स्ट में हम फोकस करेंगे जीव और पुतगल पे हाँ और कोई सवाल है तो पूछिए जो प्रमाण सागर जी की जयन तत्व विद्या हाँ बिल्कुल तो शुरू करते हैं श्लोक है जैसे मैं दिखा रहा हूँ कहा द्रव्यों के बारे में बहुत संक्षिप्त में उन्होंने लिखा है जहाँ डिटेल नहीं है

है, तो हाँ राइट राइट right, right. नहीं तो षटद्रव्य जो है कि इसको अंडरस्टैंड करने में वो बहुत सिंपल लगता है ऑन दी सरफेस बट वो सिंपल नहीं है इतना एज वी गो डीपर वो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि इतने अलग ढंगों से उसको एनालाइज करना पड़ता है ताकि हम उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है और रियल अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के साथ हम याद कर सकते देख सकते हैं तो और डेफिनेटली नेक्स्ट में हम जीव अजीव यानी कि पुद्गल को थोड़ा और डिटेल लेंगे तो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी इसमें जो आपने जो लेक्चर उनके भेजक प्रकाश जी के हाँ इसमें भी कुछ है और उनकी एक वो जैन हाँ उसके अंदर कम से कम उन्होंने जैन प्रवेशिका के दिए 44 लेक्चर बिल्कुल बिल्कुल तो आधे लेक्चर द्रव्य के छह द्रव्य के ऊपर ही हाँ हाँ जैन सिद्धांत प्रवेशिका इज बेसिकली द्रव्य दे आर टॉकिंग अबाउट द्रव्य ओनली यू नो एंड पंचास्तिका इज ऑल्सो बेसिकली द्रव्य तो, हाँ तो ये सारे जो ग्रंथ है वो हमको उसका स्वाध्याय तो जरूर करना ही पड़ेगा पंचस्तिकाए द्रव्य संग्रह और जैन सिद्धांत प्रवेशिका ये तीन बुक तो जिनके पास नहीं है जैन वर्ल्ड डॉट कॉम पर हिंदी सेक्शन पे तीनों बुक है जिनको मराठी है उन वहाँ पर भी है कन्नड़ तमिल में भी है और बाकी रशियन लैंग्वेज में भी है तो ये तीनों बुक है बहुत से लैंग्वेज में जैन वर्ल्ड हैं हाँ जैनिज़्म क्यों नहीं पढ़ते स्कॉलर्स है उधर रशिया में रशिया में अर्ली एस 1920 से ट्रांसलेशन शुरू किया है रशियन लोगों ने oh, wow. हाँ और जर्मनी तो 1800 से है 1880 1885 ऐसे तो जैनगढ़ में रशियन में बहुत ये है लिटरेचर रशियन फ्रेंच तो लॉर्ड ऑफ फ्रेंच ऑल्सो वी आर अ वेरी गुड स्कॉलर एंड आई वुड से ही इज बेटर स्कॉलर देन मैनी स्कॉलर हुर बॉर्न एट जैन जैंस बिकॉज क्योंकि मैंने उसको दिया था इंग्लिश तत्वार्थ सूत्र टू ट्रांसलेट इन फ्रेंच रिटर्न बाय स्कॉलर गुड स्कॉलर तो उसने उसमें ट्वेंटी वन मिस्टेक्स निकाली और मुझे भेजी कि भाई आई थिंक दिस इज रॉन्ग आप चेक करो तो so, मैंने इंडिविजुअली चेक किया एंड दैट मिस्टेक्स पॉइंटेड वॉज करेक्ट तो चलिए और एनी kind of uh, क्वेश्चन के पांच बताए आपने पुत्र धर्म अधर्म आकाश काल हा तो कोई एग्जाम्पल जिसमें धर्म नहीं हो या अधर्म नहीं हो नहीं वो तो देखो कि दे आर ऑल सिक्स आर नीडेड फॉर द थिंग्स टू वर्क तो धर्म अधर्म uh, तो जरूर चाहिए तो मैं उसको uh, मेरे पास दो चार एग्जाम्पल थे मगर बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज आई स्किप दैम तो धर्म के बगैर मूवमेंट पॉसिबल नहीं अधर्म के बगैर तो आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो रुक नहीं सकोगे है ना तो वस्तु जो मूव नहीं करती है नहीं ऐसे कि स्थूल दृष्टि से नहीं देखना है ऐसे वी हे टू लुक एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल दैट विच इज यू नो नहीं दिख सकती है है ना तो जैसे द्रव्य हमें नहीं दिखता मगर जीव द्रव्य की जो ये है उसके परिणमन जो है उसके जो बाकी चीज़ें हैं वो तो चल रही है तो उसको देखने के लिए तो इसीलिए ज्ञान के जो है पांच भाग हमारे जैनिज़्म ने बताए हैं तो मति ज्ञान श्रुतज्ञान मनोपरि ज्ञान अवधि ज्ञान केवल ज्ञान तो जो बाह्य जगत में हम बहिरात्मा बनकर जो बैठे हैं तो जनरली केवल श्रुतक ज्ञान और थोड़ा सा ज्ञान उतना ही होता है और बाकी जो ज्ञान है ओनली व्हेन वी गो अंतर जगत हम अंतरात्मा बनेंगे तो बाकी ज्ञान होगा और फिर उस ज्ञान के उस ज्ञान से हम बाकी सारी जो सूक्ष्म चीजें हैं जान सकेंगे एक एक बात जैसे जी का हाँ तो उसके अंदर ऐसा होता है जैसे पुदगल है वो कहते हैं पुदगल हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो परमाणु है लेकिन जो दिखता है वो पुतगल है दैट इज करेक्ट हमें हमें दिखता दिखता नहीं है है लेकिन जो मैं दिखता है, वो पुतगल है और जो देखता है वो जीव है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जो देख सकता है वो जीव है क्योंकि जीव के ज्ञान में आ रही है जीव का गुण है ज्ञान और उसके जो ज्ञान में आ रही है वो देख सकता है आंखें नहीं दिखाती हमें जो जीव के अंदर जो ज्ञान है वो दिखा रहे है क्योंकि अगर आखिर हमें आंखें दिखाती तो हमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती तो ये थोड़ा डिफर है लेकिन सिंपल सी चीज है कि जो दिखता है वो सब कुछ है सब विदाउट एक्सेप्शन और जो देखता है वो जीव है तो चाहे वो एक इंद्रिय जीव क्यों ना हो उसमें जीव सब में बराबर है सब में जीव बराबर है चाहे वो एक इंद्रिय है चाहे पंचेंद्रिय है okay. श्री आत्मा तो वही है ओनली कि जैसे आप जहाँ हो तो उसकी जो ताकत है वो उतनी कम ज़्यादा अवेलेबल होगी विजिबल होगी बस उतना ही है तो प्योर जो हमारा आत्मा है या प्योर चेतन शक्ति है तो उसकी तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर अनंत सुख ये क्वालिटी है ही कौन सा भी हो वो किसी भी लेवल में हो जैन वर्ल्ड डॉट कॉम ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ सर्विस जैनिज्म